भाजपा सरकार ने एक खुशखबरी दी थी कि वो लाडली लक्ष्मी योजना चलाएगी। इसी के तहत मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लाडली लक्ष्मी योजना और वृद्धावस्था पेंशन योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के लिए आवेदन 15 मार्च से भरे जाएंगे। आवेदन भरने में प्रशासनिक कर्मचारियों के अलावा सामाजिक कार्यकर्ता भी मदद करेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपनी कैबिनेट में आज ऐतिहासिक फैसला लेकर लाडली बहनों को खुशखबरी दी है। मुख्यमंत्री चौहान ने लाडली बहना योजना के साथ अन्य कई योजनाओं को अनुमोदित कर दिया है। लाडली बहना योजना के अनुसार उनकी जिनकी उम्र 23 साल से ज्यादा की होगी उनके खाते में 1000 रुपए प्रति माह डाले जाएंगे। साथ ही 60 साल से ऊपर की माताओं को 1000 रुपए वृद्धावस्था पेंशन दी जाएगी। 5 मार्च को इन योजनाओं को लॉन्च किया जाएगा। इसके बाद होली और रंगपंचमी के बाद 15 मार्च से योजना के लिए आवेदन भरे जाएंगे। मार्च अप्रैल में यह आवेदन भरने का काम पूरा हो जाएगा। फॉर्म भरवाने में सहायता के लिए प्रशासनिक कर्मचारी के अलावा सामाजिक कार्यकर्ता भी उपस्थित रहेंगे। साथ ही शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि इस योजना का लाभ हर वर्ग की बहनों को मिलेगा। गाँव से लेकर शहरों तक में शिविर लगाकर आवेदन भरवाए जाएंगे। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना में हमने ये फैसला किया है कि हमारी बहनें, चाहे वो किसी वर्ग से किसी जाति से आती हूं, बहनों में कोई भेद नहीं, जिनकी उम्र 23 साल से ज्यादा की होगी उनके खाते में 1000 रुपया प्रति माह डाला जाएगा। 60 साल से ऊपर की उम्र के लिए वृद्धावस्था पेंशन योजना लागू है, लेकिन वो अभी 600 रुपये मिलती है, उसमें भी हम और राशि जोड़ के उसको भी 1000 रुपया न्यूनतम करेंगे। तो 60 साल से ऊपर की बहनों को 1000 रुपया मिल जाएंगे। हमारा लक्ष्य है कि बहनों को हमने राजनीतिक रूप से सशक्त किया, सामाजिक रूप से सशक्त किया, अब आर्थिक रूप से भी सशक्त करें। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।